हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आज हमारा एग्जाम था, तो आई होप कि आप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। तो अब हम थोड़ा सा पेपर को डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके, ठीक है? सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा कुछ क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। आपको अप्रोचिंग मेथड भी समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 46 बच्चों, तो विच इज नॉट वर्ज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है? ये आपका ऑप्शन था, समझना ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए आपका, यहां पर समझते हैं, यहां पर CH2Cl और इसके साथ क्या आएगा बच्चों, CH3Cl। ये आपका Na ड्राई इथर के साथ अगर आपका रिएक्ट करेगा तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका बनेगा CH2CH3, ठीक है? बी ऑप्शन। आपको आपको नोट्स में बच्चों प्रोडक्ट भी बनाने हैं, ठीक है? नोट्स में आप लोगों को इसको नोट डाउन कर लेना है ताकि आपको आगे जाके हेल्पफुल रहेगा आपके लिए बच्चों। CH2Cl प्लस यहां पर आपका Cl, इसका आपका Na ड्राई इथर के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो इसका आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, इसका प्रोडक्ट आपका बनेगा CH2, ये आपका, ठीक है? सी ऑप्शन आपका क्या दिया यहां पर, Cl प्लस CH3Cl, Na ड्राई ईथर, ठीक है? इसका आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे तो यहां पर आपका प्रोडक्ट बनेगा टोलुइन। इसका नाम क्या होगा बच्चों, टोलुइन। आपको ध्यान रखना है बच्चों इन सबको, कॉमन नेम। डी आपका दिया हुआ है, नन ऑफ दीज, ठीक है? नन ऑफ दीज। अब आपको समझना है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको डील करना है बच्चों। काफी इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था बच्चों, वुड्ज फिटिंग रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, वुड्ज फिटिंग रिएक्शन में आपका क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। एक आपका अल्काइल ग्रुप होगा और एक आपका क्या होगा, एरोमेटिक ग्रुप। कौन सा होगा, एरोमेटिक हैलाइड, ठीक है? एक आपका होगा एरोमेटिक हैलाइड, एक आपका होगा अल्काइल ग्रुप हैलाइड। ये आपस में जब आपका Na ड्राई ईथर के साथ अगर आपका रिएक्शन करेगा तो ये वाली रिएक्शन आपकी क्या होगी बच्चों, आपकी वुड्ज फिटिंग रिएक्शन। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं, ये वाला पॉइंट आपका अल्काइल हैलाइड को शो करेगा, ये वाला आपका अल्काइल हैलाइड को, यहां पर भी आपका अल्काइल हैलाइड है बच्चों, यहां पर आपका CH2 से अटैच है ना, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड। यहां पर ये क्या है बच्चों, आपका अराइल हैलाइड, यहां पर भी ये आपका क्या है बच्चों, अराइल हैलाइड, ठीक है? यहां पर अल्काइल हैलाइड है। नाउ इसी तरीके से यहां पर भी आपका ऊपर वाले ऑप्शन में ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, आपका अल्काइल ग्रुप से अटैच है। Cl आपका डायरेक्टली बेंजीन से अटैच नहीं है, इसलिए हम इसको अराइल नहीं बोलेंगे, इसका नाम होगा बेंजाइल हैलाइड। इसका नाम क्या होगा, बेंजाइल हैलाइड। तो बेंजाइल हैलाइड भी इसी कैटेगरी में आपका आता है बच्चों, बेंजाइल हैलाइड भी इसी कैटेगरी में आपका आएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर ये आपका कौन सा रिएक्शन है बच्चों, एक एरोमेटिक है, एक आपका हैलाइड है, बेंजाइल या फिर अल्काइल हैलाइड है। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों कौन सा, वुड्ज फिटिंग रिएक्शन, ये आपका हो जाएगा वुड्ज फिटिंग रिएक्शन। यहां पर ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वुड्ज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये वाला आपका यहां पर अल्काइल अल्काइल है, तो ये कंप्लीटली कौन सा रिएक्शन है, वुड्ज रिएक्शन। ये आपका कौन सा रिएक्शन होगा, वुड्ज रिएक्शन। जब ये अगर आपका वुड्ज रिएक्शन होगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा आपका वुड्ज फिटिंग होता है और कौन सा आपका वुड्ज रिएक्शन होगा, ठीक है? और ध्यान रहे साथ में, फिटिंग रिएक्शन के लिए दोनों आपके अराइल होने चाहिए। अगर मैं फिटिंग रिएक्शन की बात करूं, यहीं पर मैं आपका बात कर लेता हूं, फिटिंग रिएक्शन के लिए आपके दोनों जो हैलाइड होने चाहिए वो आपके क्या होने चाहिए बच्चों, अराइल हैलाइड। दोनों क्या होने चाहिए बच्चों, आपके अराइल हैलाइड। तो दोनों आपके यहां पर भी अराइल हैलाइड है और यहां पर भी आपका क्या है बच्चों, अराइल हैलाइड है। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों, फिटिंग रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर होगा बच्चों ए।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों आपका, एक एक करके देखते हैं हम यहाँ पर अच्छे से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग सिक्वेंस, इन द फॉलोइंग सिक्वेंस सिक्वेंस द कंपाउंड सी, द कंपाउंड सी इज, कंपाउंड सी क्या होगा बच्चों, देखते हैं। C7H8, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले 3Cl2, ठीक है, यहां पर मैंने हीट दिया, ए कंपाउंड बना, फिर उसके बाद मैंने Br2 और Fe कर दिया, तो आपका कौन सा कंपाउंड बना, B बना। फिर मैंने यहां पर CZnHCl कर दिया, तो आपका कौन सा कंपाउंड बना बच्चों, यहां पर आपका C कंपाउंड बना। तो अब हम देखते हैं एक एक करके कि क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहां पर अगर मैं DOU निकालूं इसका, तो DOU कितना आएगा बच्चों, देखते हैं। यहां पर समझो C7, इसको मैं कन्वर्ट किसमें कर सकता हूँ, C7H, ये आपका कितना हो जाएगा 16। तो अगर मैं DOU निकालना चाहूं तो DOU कैसे निकलेगा, 16 - 8 / 2, ठीक है, 16 - 8 / 2 मतलब 4। तो इसका DOU कितना आएगा बच्चों, 4। तो यहां पर ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो ऑप्शन में आपका बेंजीन बनाते हैं, तो यहां पर ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें आपका क्या होगा बच्चों, बेंजीन होगा, ठीक है। और यहां पर टोल्यूम, देखो इसका DOU कितना है बच्चों, इसका DOU आपका होगा 4, ठीक है। अब मैं इसकी रिएक्शन 3Cl2 और इसके साथ करा दूं, तो कितने मोल है बच्चों, यहां पर 3 मोल है और हीट है, तो यहां पर कौन सा रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। यहां पर कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों, फ्री रेडिकल रिएक्शन। और यहां पर अगर आपका फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, CCl3। नाउ अब मैं इसकी रिएक्शन Br2 और Fe के साथ करा दूं, तो यहां पर आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपका कौन सा है, ये आपका -H, मतलब रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन है बच्चों ये आपका। जब ये आपका रिवर्स हाइपर कंजुगेशन होगा तो ये आपका कौन सा डायरेक्टिंग होगा बच्चों, ये आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब ये आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर आपका Br आ जाएगा अगले स्टेप में। तो Br कहाँ अटैक करेगा, इस पोजीशन पे, बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर Br आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं ZnHCl के साथ इसको हीट करूं, तो ध्यान से समझेंगे, ZnHCl आपका क्या होता है बच्चों, ZnHCl आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट फॉर अल्काइल हैलाइड, रिड्यूसिंग एजेंट फॉर अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब ये अल्काइल वो हैलाइड का रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो इसका मतलब यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि यहां पर नेसेंट हाइड्रोजन का रिलीज होता है, यहां पर नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होने की वजह से ये आपका अल्काइल हैलाइड का रिड्यूसिंग एजेंट है, और नेसेंट हाइड्रोजन आपका अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका बन जाएगा ब्रोमीन। तो यहां पर इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा बच्चों, अगर मैं इस प्रोडक्ट का नाम लिखना चाहूंगा तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, मेटा ब्रोमो टोलुइन। क्या नाम होगा बच्चों, मेटा ब्रोमो टोलुइन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम दे देते हैं आंसर की में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहां पर ए ऑप्शन ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन, नहीं गलत है। बी ऑप्शन है मेटा ब्रोमो टोलुइन, ठीक है, वो आपका करेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्या आएगा आंसर बच्चों, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो इसको थोड़ा सा समझ के चलिएगा बच्चों, ठीक है। वो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों।
तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैच द कोकोलम है, 48 क्वेश्चन। तो देख लेते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन। तो 48 नंबर के क्वेश्चन में हम देख लेते हैं मैच द कोलम होगा हमारा। तो देखते हैं काफी इजी क्वेश्चन होगा, तो मैं यहाँ पर सिंपल सिंपल मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 48, मैच द कोलम, मैच दी कोलम। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया रिएक्शन और यहां पर मैंने लिख दिया प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर फर्स्ट RX की रिएक्शन अगर मैं AgCN के साथ कराऊंगा, तो बच्चों ये मैंने आपको बताया था, यहां पर आपका एक एक करके बताता हूँ बच्चों मैं सारे। RX की रिएक्शन अगर मैं यहां पर KCN के साथ कराऊंगा, थर्ड यहां पर RX की रिएक्शन अगर मैं KNO2 के साथ करवाऊंगा, फोर्थ यहां पर मैंने RX की रिएक्शन किसके साथ, यहां पर AgNO2 के साथ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर देखते हैं कि यहां पर क्या है, आर एन सी, यहां पर क्या बनेगा बच्चों, आर सी एन, यहां पर क्या बनने, यहां पर आर एनओ टू दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर क्या दिया हुआ है, आर ओ माइनस एन, माइनस हटा दो बच्चों, डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसका आंसर भी देखेंगे, पर्टिकुलर आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देखो RX और AgCN, AgCN के केस में नाइट्रोजन एटम बिहेव एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम बिहेव एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। RX और KCN के केस में बच्चों CN कार्बन एटम, कार्बन एटम बिहेव एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ठीक है, अब KNO2 के केस में ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम बिहेव एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, और यहां पर नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम बिहेव एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ठीक है, तो ध्यान रखना CN और NO2 बोथ आर एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। यहां पर मैं लिख देता हूं CN एंड NO2 बोथ आर एम्बिडेंटेड, एम्बिडेंटेड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, मतलब इसमें आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अगर जिसमें आपका दो या दो से ज्यादा होगा वो आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहां पर अगर नाइट्रोजन एटम आपका अगर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा तो नाइट्रोजन एटम जाके जुड़ेगा, तो फर्स्ट का आर एन सी, सेकेंड का यहां पर क्या बनेगा आर सी एन, थर्ड में यहां पर ऑक्सीजन एटम न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये आपका होगा और इसका ये होगा। तो आपसे पूछा गया है कि आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा होगा बच्चों, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्टली मैच्ड। और अगर मैं बोलना चाहूं कि फर्स्ट का आंसर ये, सेकंड का ये, थर्ड का आपका ये होगा, फोर्थ का आपका ये होगा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन भी है बच्चों, तो इसको टिक कर लेते हैं, इसको आपको टिक मार्क कर लेना चाहिए रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, तो 49 क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्ट डीब्रोमिनेटेड, डीब्रोमिनेटेड, डीब्रोमिनेटेड का मतलब रिमूवल ऑफ ब्रोमीन, रिमूवल ऑफ ब्रोमीन Br। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका ऑप्शन हमको क्या दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से ऑप्शन नंबर ए हमको दिया हुआ है यहां पर, ये ऐसा दिया हुआ है यहां पर Br। ठीक है, यहां पर B, यहां पर हमको यहां पर क्या दिया हुआ है Br, सी देख लेते हैं बच्चों,
सी आपका क्या है बच्चों यहां पर, बी आर, और डी आपका यहां पर क्या ऑप्शन है बच्चों, ये आपका इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस कर लेते हैं, एक एक ऑप्शन को, कि कौन सा आपका सही होना चाहिए, कौन सा आपका गलत होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर अगर ब्रोमीन आप, अगर आप डीब्रोमिनेट करोगे मतलब ब्रोमीन हटाओगे मतलब HBr से, तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा आएगा। अगर यहां से निकालोगे तो यहां पर कैसा आएगा बच्चों, इस तरीके से आएगा। अगर यहां से निकालोगे तो यहां पर कैसा आएगा बच्चों आपका, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। और यहां पर आपका ब्रोमीन निकलेगा ही नहीं, क्यों, ड्यू टू द डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू द डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां पर आपका ब्रोमीन आपका निकलेगा नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें ये वाला कौन सा कंपाउंड है बच्चों आपका, नॉन एरोमेटिक, ये वाला भी कौन सा हो गया बच्चों आपका, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, और ये वाला क्या हो गया बच्चों आपका, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। तो आपका कौन सा कंपाउंड डीब्रोमिनेटेड होने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है बच्चों, तो यहां पर आंसर क्या आएगा बच्चों, सी, क्योंकि यहां पर स्टेबल ज्यादा हो रहा है। अगर आपका प्रोडक्ट साइड स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा तो वो रिएक्शन आपकी सबसे ज्यादा फास्ट होती है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 50 भेज बेटा, काफी सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है बच्चों। मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग SN1 रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बच्चों, देख लेते हैं। CH3, CH, Br, CH, CH3, यहां पर CH3। ठीक है, यहां पर क्या होगा, प्लस O माइनस C2H5। ठीक है, ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, SN1 रिएक्शन। अगर आपको पहले से ही बोल दिया कि SN1 लगाना है तो SN1 में इंटरमीडिएट आपका क्या बनेगा बच्चों, इंटरमीडिएट आपका क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। इंटरमीडिएट आपका क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। अगर इंटरमीडिएट अगर आपका कार्बोकेटायन होगा तो यहां पर रीअरेंजमेंट आपका पॉसिबल होगा। अब यहां पर आपका रीअरेंजमेंट होगा तो सबसे पहले आप देखो, ब्रोमीन अगर मैं यहां से अगर ब्रोमीन हटाऊंगा तो क्या बनेगा बच्चों, CH3CH, यहां पर प्लस चार्ज, यहां पर CH, यहां पर CH3, यहां पर CH3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि क्या यह आपका कार्बोकेटायन स्टेबल है। देखो, यहां पर आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, यह आपका क्या है बच्चों, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। 2 डिग्री कार्बोकेटायन आपका लेस स्टेबल होता है। अगर मैं इससे यहां पर हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दूं, बाय हाइड्राइड शिफ्टिंग, अब मैं यहां पर हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दूं तो यहां पर क्या होगा बच्चों, CH3CH2C पॉजिटिव चार्ज, CH3CH3। नाउ यह आपका क्या हो गया बच्चों, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। जब यहां पर आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया है तो नाउ अब आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर CH3CH2CO C2H5 CH3CH3। नाउ ये आपका आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट। और आपसे क्या पूछा है, मेजर प्रोडक्ट। अगर आपसे माइनर पूछता, माइनर मेजर दोनों पूछता, हाउ मेनी प्रोडक्ट इज पॉसिबल, देन इससे भी जो आपका प्रोडक्ट आता वो भी सही होता, और इससे भी जो आता वो भी सही होता। तो इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं। अभी आपको मेजर पूछा है, अगर बाय द वे आपको पूछता कि हाउ मेनी प्रोडक्ट आर पॉसिबल, देन आप यहां भी करते और यहां से भी करते। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाना है, और इसकी वजह से आपका डीएल पेयर भी बनता। ठीक है, एक बार आप इन्हें ट्राई करो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर इक्वल टू 3, और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर इक्वल टू 2, और मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा होगा बच्चों, ये वाला। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका किसकी तरह दिख रहा है बच्चों, सी ऑप्शन की तरह। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप कि आपको अच्छे से
आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 51, द फाइनल प्रोडक्ट, द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑब्टेन इन द रिएक्शन, रिएक्शन में आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है बच्चों, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, एक बार अगर आप इन्हें ट्राई करते तो अच्छा से हो जाता बच्चों। ये वाला क्वेश्चन, बी आर यहां पर CH2Cl, ठीक है। अब देखो Mg ईथर, अब ध्यान से इसके बाद आपका क्या है बच्चों, यहां पर हैवी वाटर। हैवी वाटर का मतलब, हैवी वाटर का मतलब बच्चों क्या बोलना चाह रहा है ये आपका D2O। तो आपका B और A, आपको फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या बताना है बच्चों, B बताना है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं हम, यहां पर Mg ड्राई इधर आपका कहाँ लगेगा। देखो यहां से अगर आपका Cl बाहर निकलेगा तो इजिली यहां से निकल सकता है एज कंपेयर टू दिस। तो कौन सा बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, या मैंने ले लिया फर्स्ट, ये मैंने ले लिया सेकेंड, ठीक है। सेकेंड सेकेंड बॉन्ड विल ब्रेक फर्स्ट, सेकेंड बॉन्ड आपका पहले ब्रेक होगा। यहां पर आपका सेकेंड बॉन्ड आपका पहले ब्रेक होगा एज कंपेयर टू बी आर। क्यों बच्चों ऐसा, क्योंकि यहां पर जब आपका सेकेंड बॉन्ड इसलिए ब्रेक होगा क्योंकि इसकी वजह से जो आपका फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा वो क्या होगा, हायर स्टेबल, हायर स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा। तो इसीलिए आपका सेकेंड बॉन्ड आपका पहले ब्रेक होगा। अब यहां पर आपका सेकेंड बॉन्ड अगर आपका ब्रेक होगा तो यहां पर आपका आपका ए प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका बी आर, यहां पर आपका CH2 Mg Cl। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब D2O, जैसा कि मैंने बताया था, एसिडिक हाइड्रोजन को पहले ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये आपका क्या बन गया, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट आपके एसिडिक हाइड्रोजन को पहले निकालेगा, तो यहां से ये आपका माइनस, ठीक है। अब ये एसिड बेस रिएक्शन होगा, यहां पर कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों, एसिड बेस रिएक्शन होगा। अब एसिड बेस रिएक्शन होगा तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका CH2 के पास क्या आ जाएगा, D, और यहां पर क्या आ गया बच्चों आपका Br, और Mg के साथ क्या निकल जाएगा, MgCl एंड OD। आई होप कि दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट B। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। तो इससे मिलता जुलता ऑप्शन क्या है बच्चों आपका, सी ऑप्शन, देन सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके लिए कौन सा होगा बच्चों, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा, काफी इजी था, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व भी करवाया था बच्चों। नेक्स्ट अब हम समझते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं बच्चों। यहां पर ध्यान से समझेंगे, यहां पर अगला क्वेश्चन है बच्चों 52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 आपको क्या बोल रहा है बच्चों, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई सी इन द रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर आपको क्या आइडेंटिफाई करना है बच्चों, सी प्रोडक्ट। तो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से CH3 CH2 CH2 Br, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ बच्चों, एक्वस NaOH के साथ, ठीक है। नाउ ये आपका ए, फिर ये आपका Al2O3, यहां पर आपका बी, और यहां पर आपका C2H2O, Cl2H2O, यहां पर आपका सी। अब सबसे पहले हम इसमें रिएजेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि रिएजेंट का काम क्या है बच्चों, ठीक है। एक एक करके हम यहाँ पर रिएजेंट को आइडेंटिफाई करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले एक्वस NaOH के प्रेजेंट में ये आपका क्या शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा बच्चों, ठीक है। NaOH है मतलब SN2 पाथवे को फॉलो करेगा, कौन से पाथवे को बच्चों, SN2 पाथवे को फॉलो करेगा। नाउ Al2O3 है, देख ध्यान से समझेंगे बच्चों, Al2O3 है, Al2O3 का मतलब क्या होगा बच्चों, डिहाइड्रेशन, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, डिहाइड्रेशन होगा, और कौन से प्रोसेस से बच्चों, E1 मैकेनिज्म से, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन होगा, क्या होगा बच्चों, यहां पर बीटा एलिमिनेशन होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है बच्चों, Cl2 और H2O मिलके आपका क्या बनाएगा, हाइपोहैलस एसिड, क्या बनाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड,
हाइपो क्लोरस एसिड मतलब HOCl बनाएगा। नाउ इसकी रिएक्शन अब हम देखते हैं एक एक करके, ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं, यहां पर CH3 CH2 CH2 Br, अगर SN2 पाथवे से NaOH के साथ अगर आपका रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, CH3 CH2 CH2 OH। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नाउ यहां पर आपका कौन सा होगा, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन स्टेप होगा E1 बाय बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन होगा। अब देखो बीटा एलिमिनेशन होगा तो यहां पर ये अल्फा ये बीटा, बीटा पोजीशन से आपको हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा, यहां से OH को आपको एलिमिनेट करेगा। तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ अब ये आपका HOCl के साथ जब आपका रिएक्ट करेगा तो ये कौन से मैकेनिज्म को शो करेगा बच्चों, ये आपके शो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो यहां पर ये प्लस ये माइनस, इलेक्ट्रोफाइल कौन, Cl2, Cl2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और यहां पर आपका क्या बनाएगा, सबसे पहले साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, CH2 यहां पर डॉट 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 यहां पर डॉट Cl+। ये क्या बना लेगा, नॉन क्लासिकल कैटायन, नॉन क्लासिकल कैटायन। जब ये आपका नॉन क्लासिकल कैटायन बनाएगा तो H2O आपका यहाँ पर अटैक करेगा। अब कहाँ अटैक करेगा H2O, जहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा वहां से आपका बॉन्ड ओपनिंग होगा। अगर मैंने यहां से बॉन्ड ओपनिंग किया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री कैटायन आएगा, लेकिन यहां से ओपनिंग किया तो यहाँ पर 1 डिग्री आएगा, तो यहाँ स्टेबल होगा, तो ये बॉन्ड यहां से खुलेगा और यहां पर अटैक होगा। तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, CH3 CH OH+, सॉरी बच्चों यहां पर एंटी प्रोडक्ट बनेगा, तो मैं एंटी प्रोडक्ट बनाता हूँ बच्चों। यहां पर ऊपर से अटैक करेगा तो यहां पर OH, यहां पर प्लस साइन, यहां पर CH2, यहां पर Cl। अब ये बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा बच्चों, CH3 CH OH CH2 Cl। आई होप कि आपको इसका आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको डील करना है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ए, ए ऑप्शन इज करेक्ट। यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होगा बच्चों, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों 53 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं एक एक करके, क्वेश्चन नंबर 53 क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन नंबर 53। तो यहां पर मैंने बात किया क्वेश्चन नंबर 53 का, ठीक है बच्चों। तो कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेटमेंट वाला है बच्चों ये, तो कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, यहां पर CH3 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 CH2 Br। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर अगर मैंने C2H5O- ये SN2 पाथवे बोला गया है, बहुत अच्छी बात है। फिर तो यहां पर C2H5OH है, ये आपका SN1 पाथवे, ठीक है। अब आपको बोला है कि यहां पर शोज SN2 रिएक्शन विद SN1, ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं SN2 पाथवे से अगर मैं प्रोडक्ट बनाता हूं, ध्यान से समझेंगे, SN2 पाथवे से अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो क्या होगा बच्चों, देखते हैं। देखो यहां पर अगर मैं SN2 पाथवे से प्रोडक्ट बनाऊंगा तो यहां पर CH3 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 CH2, यहां पर OC2H5, ठीक है, ये आपका बन जाएगा SN2 पाथवे में, वहीं पर आपका रिएक्शन होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर CH3 CH3, अब यहां पर आपका क्या बनेगा, सबसे पहले आपका यहां पर कार्बोकैटायन बनेगा, SN1 है। अब SN1 में कार्बोकैटायन होगा तो कार्बोकैटायन आपका रीअरेंज हो सकता है, तो यहां पर कौन सी शिफ्टिंग होगी, मिथाइल शिफ्टिंग आपकी होगी। अब यहां पर अगर आपका मिथाइल शिफ्टिंग होगा तो यहां पर सी कार्बोकैटायन CH2 CH3 और यहां पर आपका CH3। नाउ अब आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर CH3 CO C2H5 CH2 CH3 CH3, ठीक है बच्चों, ये आपका इस तरीके से होगा। अब यहां पर ए ऑप्शन क्या बोला है, ए ऑप्शन आपको बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑप्टेन बाय
SN2 रिएक्शन हैज इन्वर्टेड कॉन्फिग्रेशन, इन्वर्टेड कॉन्फिग्रेशन, ये आपको पहला ऑप्शन बोला गया है बच्चों, काफी अच्छा है, ठीक है। बी ऑप्शन आपको क्या बोला गया है बच्चों, प्रोडक्ट ऑप्टेन ड्यू टू, प्रोडक्ट ऑप्टेन ड्यू टू SN1 रिएक्शन इज अ टर्शरी ईथर, ठीक है। चेक कर लेते हैं, देखो ये आपका 3 डिग्री है, यहां पर 3 डिग्री ईथर होगा, तो ये आपका सही है स्टेटमेंट, ठीक है, वेरी गुड। नाउ सी क्या होगा, प्रोडक्ट 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 ऑप्टेन ऑप्टेन ड्यू टू प्रोडक्ट ऑप्टेन ड्यू टू SN2 रिएक्शन इज अ प्राइमरी प्राइमरी ईथर। देख लेते हैं बच्चों, यहां पर आपका जो ईथर जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, 1 डिग्री ईथर, ठीक है, 1 डिग्री ईथर। यहां पर ईथर आपका जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आपका तीन तीन अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, 3 डिग्री ईथर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम डी डी क्या होगा बच्चों, आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। अब ये बताओ, ये भी सही है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट। देखो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जहां से आपका ग्रुप लीव किया है वो आपका कायरल सेंटर नहीं है, वो आपका कायरल सेंटर नहीं है। अगर ये आपका कायरल सेंटर होता तो आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, ये आपका कायरल सेंटर नहीं है इसलिए आपका ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। चाहो तो आप यहाँ पर RS कॉन्फ़िगरेशन भी लगा के चेक कर सकते हो। तो आंसर क्या होगा बच्चों, आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट में ए आंसर इज मोर करेक्ट, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 54। देखो 54 क्वेश्चन अब हम समझते हैं अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 54, तो देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 54 तो क्या होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 54 में द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन, रिएक्शन में आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, देख लेते हैं। यहां पर इस तरीके से आपका होगा, यहां पर डबल बॉन्ड CH2, यहां पर NBS। NBS का काम क्या है बच्चों, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड का काम क्या है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये आपके अलाइलिक पोजीशन पे जाके जुड़ता है। कौन से पोजीशन पे जाके जुड़ेगा बच्चों, ये आपका अलाइलिक पोजीशन पे। तो देख लेते हैं यहां पर इसका प्रोडक्ट आपका क्या होगा, देखते हैं बच्चों। यहां पर ये आपका अलाइलिक पोजीशन है, ठीक है, यहां से आपका देखो, यहां से हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये पोजीशन आपका अलाइलिक पोजीशन है, ठीक है, अलाइलिक पोजीशन है। और NBS का काम क्या होता है बच्चों, NBS का काम क्या होगा, ब्रोमीन को ऐड करेगा, ब्रोमीन का एडिशन होगा एट अलाइलिक पोजीशन, ठीक है, अलाइलिक पोजीशन पे आपका ब्रोमीन ऐड करेगा बच्चों। तो यहां पर भी कर सकता है, यहां पर भी कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि यहां पर कौन सा मैकेनिज्म होगा, यहां पर आपका होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म होगा बच्चों, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। अब यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो ये इधर, तो आपका सबसे पहले क्या होगा बच्चों, यहां पर फ्री रेडिकल बना होगा, ठीक है, यहां पर CH2। अगर मैं इसके हिसाब से जाऊंगा तो आपका प्रोडक्ट आपका ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, यहां पर आपका प्रोडक्ट ऐसा होगा, और अगर मैं इस फ्री रेडिकल को शिफ्ट करूं बाय रेजोनेंस तो आपका क्या होगा बच्चों, आपका जल्दी से देख लेते हैं, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल यहां आ जाएगा और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, Br। तो नाउ अब इस पोजीशन पे आपका प्रोडक्ट, यहां पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, तो यहां पर इस पोजीशन पे आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, CH2Br। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आपका ज्यादा स्टेबल है, ड्यू टू द हायर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, ड्यू टू द हायर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, दिस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना है।
क्वेश्चन नंबर 54, तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बच्चों? इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट आपका क्या है बच्चों? ग्रिकनार्ड वाला, काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया भी है आप लोगों को, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 55, यहां पर C6H5, ठीक है? C6H5MgBr, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ये लिख लूं बच्चों, PHMgBr, ठीक है? इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है? CH2। तो दोनों एक ही बात है, CH2, CH2, CH3, यहां पर H है केवल, और ये आपका क्या है? साइक्लिक ईथर। अब हम क्या समझते हैं बच्चों, ध्यान से समझेंगे। इसकी रिएक्शन करानी है किसके प्रेजेंट में? Et2O, और साथ में क्या है बच्चों यहाँ पर? हाइड्रोलाइसिस। तो कोई बात नहीं, ये आपका ग्रिगनार्ड का रिएक्शन है। अब ये आपका कौन सा रिएक्शन शो करेगा बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करेगा। अब अगर ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट साइक्लिक ईथर में ये होता है कि बॉन्ड आपको कौन सा क्लीव करना है, ठीक है? तो आप देखो, अगर मैंने ये वाला बॉन्ड क्लीव किया तो यहाँ पर डेल्टा प्लस, अगर मैंने ये वाला बॉन्ड क्लीव किया तो यहाँ पर डेल्टा प्लस, ये वन और ये टू। अगर मैंने वन नंबर का बॉन्ड अगर मैंने क्लीव किया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपका ज्यादा रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कार्बो कैटायन को स्टेबलाइज कर देगा। तो न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा आपका मतलब पॉजिटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, और न्यूक्लियोफाइल वहीं पर ज्यादा अट्रैक्ट होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बच्चों? लो होगी। तो न्यूक्लियोफाइल आपका कहाँ अटैक करेगा? इस पोजिशन पे, इस पोजिशन पे अटैक करेगा। तो मैं आपका प्रोडक्ट बना देता हूँ बच्चों, कि आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। ओ माइनस MgBr और यहाँ पर CH3। नाउ आपका प्रोडक्ट क्या होगा? CH2PH CH3, यहाँ पर OH, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया, तो क्वेश्चन का ऑप्शन क्या बोला है कि न्यूक्लियोफाइल आपका कहाँ अटैक करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है C1 कार्बन पे, सेकंड है B C2 कार्बन पे, सी है आपका C3 कार्बन पे, ये आपका C3 कार्बन, ठीक है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया बच्चों आपका, एनी ऑफ दीज, एनी ऑफ दीज। तो यहां पर कहां अटैक करेगा? C1 पे। अब मैं आपको एक्स्ट्रा होमवर्क देता हूं बच्चों, इसका आपको टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर आपको निकाल के बताना है बच्चों, स्टीरियो आइसोमर आपको निकाल के बताना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? ठीक है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर आप मुझे निकाल के कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दीजिएगा बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? 56, ठीक है बच्चों? 56 क्वेश्चन को अब हम देख लेते हैं अच्छे से। तो यहां पर 56 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 56, मैच द कॉलम है बच्चों, बहुत ही अच्छा। लिस्ट 1, लिस्ट 2, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको गिलमान रेजेंट का क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था हाइड्रोकार्बन को एक बार रिवाइज हर चैप्टर में करना चाहिए बच्चों। हर चैप्टर में आपको हाइड्रोकार्बन, हर चैप्टर के एग्जाम से पहले आपको पिछले सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बार रिवीजन करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वही से आपकी ज्यादा हेल्पफुल, वहां पर आपका GOC आइसोमर हो गया और आपके यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, ये तीन चैप्टर तो आपको हमेशा रिवाइज करने ही चाहिए बच्चों, ताकि आपको टॉपिक पे आपका ग्रिप बना रहे बच्चों, ठीक है? ये हो गया पी। यहाँ पर क्यू ऑप्शन क्या है बच्चों? ये आपका आयोडीन है, यहाँ पर क्या होगा बच्चों? Li CuI, ठीक है? और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है? यहाँ पर आपका आर आपका दिया हुआ है इस तरीके से, ये आपका Br, यहाँ पर Li CuI, ठीक है? नाउ आगे क्या है बच्चों? CH3 CH2 Br, और यहां पर आपका S दिया हुआ है क्या? 3 डिग्री, यहां पर Cl, यहां पर Li CuI, काफी इजी क्वेश्चन है। यहां पर CH3 CH2 Br, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को आ गया होगा। फटाफट
फर्स्ट का आंसर बच्चों, फर्स्ट आपका दिया हुआ है इस तरीके से, सेकंड आपको दिया हुआ है बच्चों कौन सा, इस तरीके से दिया हुआ है सेकंड। थर्ड आपको दिया हुआ है बच्चों क्या, थर्ड आपको दिया हुआ है ऐसा, और फोर्थ आपको दिया हुआ है बच्चों ऐसा कुछ प्रोडक्ट। ठीक है, काफी इजी है। देखो सबसे पहले ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका गिलमान रिएजेंट के ऊपर बेस है। किसके ऊपर बेस है बच्चों, गिलमान रिएजेंट के ऊपर, और गिलमान रिएजेंट इज अ सोर्स ऑफ, क्वेश्चन आपका किसके ऊपर बेसिस है बच्चों, गिलमान के ऊपर, गिलमांस रिएजेंट के ऊपर। अब जब आपका क्वेश्चन गिलमान रिएजेंट के ऊपर बेस है, तो गिलमान रिएजेंट आपका क्या होता है बच्चों, सोर्स ऑफ आर माइनस। ठीक है, सोर्स ऑफ आर माइनस, तो यहां से आपका गिलमान रिएजेंट का प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पर अगर मैं बोलना चाहूं तो यहां पर आपका, यहां पर CH3, CH2, यहां पर आपका वो Li, कुछ ऐसा आपका प्रोडक्ट बनेगा, गिलमान आपका CH2, CH2, Li2, और यहां पर Cu। अब यहां पर देख लेते बच्चों, यहां पर क्या बनेगा देख लेते, यहां पर आपका इस टाइप का Li2Cu, यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों, इस टाइप का आपका बन जाएगा TuLiCu, यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों, इस टाइप का आपका कुछ बन जाएगा TuLiCu। ठीक है, अब देखो यहां पर ये आपका R माइनस को जनरेट करेगा, तो यहां पर R माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस, तो ये SN2 पाथवे को फॉलो करेगा और यहां से Cl निकालेगा। तो देखो एक दो तीन चार, चार कार्बन की चेन, तो मतलब ये इसका आंसर क्या होगा, टू। यहां पर एक आइसो ग्रुप आपका किसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर, तो जब ये इसके ऊपर SN2 पाथवे से अटैक करेगा, तो बच्चों दोनों साइड आपका सिमेट्रिकल, तो आपका यहां पर फर्स्ट बनेगा। ठीक है, एक बार आप अटैक करा के देखिएगा बच्चों, SN2 पाथवे से अटैक होगा, कौन से पाथवे से, SN2 पाथवे से। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पर ये माइनस है, अब ये माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा तो कौन से पाथवे से, SN2 पाथवे से। तो एक दो तीन चार, चार कार्बन, चार और पांच कार्बन इसमें पहले से ही है, तो कौन सा बच्चों, एक दो तीन चार पांच। ठीक है, अब ये इसके ऊपर अटैक किया तो इसका आंसर ये होगा, नाउ यहां से माइनस अटैक करेगा तो इसका आंसर ये होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर दे देखते हैं, पी का टू, पी का आपका टू। ठीक है, यहां पर क्यू का आपका क्या आ रहा है, वन। ठीक है, आर का आपका क्या आएगा बच्चों, R का आपका क्या जाएगा, R का 4। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, और S का क्या जाएगा बच्चों, यहां पर 3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यह क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये पूरा गिलमान रिएजेंट पे बेसिस था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं बच्चों, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 56, 57 देखते हैं बच्चों। अब हम एक एक करके, क्वेश्चन नंबर 57, द रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड बिलो इज। ठीक है, 57 आपको बोला है यहां पर, द रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड बिलो इज, मतलब आप देख लेते हैं, यहां पर ये आपका OH माइनस, ठीक है, यहां पर आपका Br, यहां पर आपका C, यहां पर आपका CH2 कितनी बार, 5 times, वेरी गुड, यहां पर CH3, यहां पर CH3, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, OH, यहां पर क्या आ जाएगा, C, CH2 5 times, CH3, यहां पर आपका CH3, यहां पर आपका H। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, SE1, B, SN2, C, SN1, D, SE2। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन सेकेंड डिग्री, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन 1 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का मतलब ये होता है, तो यहां पर आपका क्या हो गया, इन्वर्ट, यहां पर आपका इन्वर्जन हो गया, यहां पर आपका इन्वर्जन हो गया, और आपका इन्वर्जन केवल और केवल कौन से पाथवे में होता है बच्चों, SN2 पाथवे में। तो आपका 57 का आंसर क्या आ जाएगा, बी। लेकिन अगर इन्वर्ट, यहां पर इन्वर्ट अगर नहीं होता तो आपका कौन सा होता, अगर मैं SN1 की बात करता तो आपका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए था बच्चों, यहां पर 5, ये आपका CH3, ये आपका CH3, ये आपका H, अगर ऐसा होता तो आपका आंसर क्या होता बच्चों, SN1, तो आपका आंसर क्या होता बच्चों, SN1, तो SN1 होने के लिए ऐसा आपको प्रोडक्ट होना चाहिए था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनोल, वेरी गुड, कर सकते हैं फिनोल, बाय हीटिंग एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन सॉल्यूशन एट टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन एंड प्रेशर इज 300 atm। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो इस तरीके से है ये आपका। अब मैं आपसे पूछूंगा कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, कौन से मैकेनिज्म को आपको फॉलो करेगा, ध्यान से समझेंगे। ये 623 केल्विन और यहाँ पर 300 atm, ठीक है। अब यहाँ पर आपका फिनोल बन जाएगा, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर आपका कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा बच्चों। यहाँ पर आपका सबसे अच्छा मैकेनिज्म बच्चों, जो मैंने आपको कई बार बोला था कि इससे बेसिस एक क्वेश्चन आपका 100% मेडिकल और जेई में आता आता है बच्चों, तो यहाँ पर आपका SNAR पाथवे फॉलो होगा, SNAR पाथवे। और आप लोग जानते हो यहाँ पर कि SNAR पाथवे की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं बच्चों, इंक्रीज करते हैं, मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटी टुवार्ड SNAR पाथवे, रिएक्टिविटी टुवार्ड SNAR पाथवे विल बी इंक्रीज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा अटैच होंगे वो आपके SNAR पाथवे को मैक्सिमम करेगा, तो यहां पर SNAR पाथवे का बताया आपको। देखो ये मैंने क्वेश्चन कराया था कि यहां पर Cl, यहां पर आपका NO2, यहां पर आपका क्या है बच्चों Cl, ये आपका NO2, ये भी आपका NO2, ठीक है। और यहां पर आपका क्या है बच्चों, ये आपका Cl, यहां पर आपका NO2, और यहां पर भी आपका NO2, और यहां पर भी आपका NO2। देखो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड, और ये हो गया आपका थर्ड। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां मैक्सिमम है बच्चों, थर्ड पे, तो थर्ड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद किसकी बच्चों, सेकेंड की, उसके बाद किसकी, फर्स्ट की। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को आपको देने का मतलब ये है कि आप यहां से पाथवे को आइडेंटिफाई कर लो। आई होप सो कि आपको यहां तक इस क्वेश्चन को काफी बच्चों ने सही किया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको मगअप करना पड़ेगा कि यहां पर ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 59। देखो क्वेश्चन नंबर 59 कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 59 आपका क्या है बच्चों, विच सेट ऑफ रिएजेंट विल प्रोड्यूस CCl2F2, मतलब फ्रियॉन 1 2, ठीक है। फ्रियॉन 1 2 आपका कौन प्रोड्यूस करेगा, ध्यान रखना बच्चों हमेशा। यहां पर आपको सॉल्यूशन थोड़ा सा मगअप करना पड़ेगा और ध्यान भी रखना पड़ेगा, CCl4 अगर SbF3 के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका हमेशा CCl2F2 मतलब फ्रियोन 1 2 प्रोड्यूस करेगा। फ्रियोन 1 2 प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और यहां पर मुझे चाहिए SbF5 भी आपका कभी कभी हो सकता है बच्चों, तो थोड़ा इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आई होप कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों, सी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों 60 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट, ठीक है। अब यहां पर आपको दिया हुआ है कि कौन सा ऑर्डर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर E1, E2, SN1 और SN2 के एस्पेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है, तो दे देख लेते हैं। Which order is correct? ठीक है, कौन सा ऑर्डर आपका करेक्ट होगा, तो मैं यहां पर मॉलिक्यूल बना लेता हूँ CH3Br, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है। देन आफ्टर MeCHMeBr, ये हो गया आपका सेकेंड, ठीक है, ये आपका MeMeCHMeBr,
एम ई, या आपका सी एच, या आपका सी एच बी आर, और यहाँ पर आपका ई टी ए टी ए टी, ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया सी बी आर, ठीक है। अब यहाँ पर एसेंट टू रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमको पूछा गया है, तो एसेंट टू रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे एक एक करके। देखो एसेंट टू का ऑर्डर अगर हमसे पूछा गया है तो यहाँ पर एसेंट टू का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, ये आपका हो गया फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, ठीक है। अगर मैं इसके हिसाब से एसेंट टू का ऑर्डर बताऊंगा तो एसेंट टू का रिएक्टिविटी ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। अब देखो स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से इसका स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट, देन आफ्टर सेकेंड, सेकेंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ। तो यहां पर ऑर्डर आपका एसेंट टू के हिसाब से क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब ये ऑर्डर आपका करेक्ट है, ठीक है, ये ऑर्डर आपका करेक्ट है। फिर अगला जो ऑप्शन है बच्चों इसमें, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, आपको सोल्व कर दिया बच्चों मैंने। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, एम ई थ्री सी बी आर, ठीक है, एम ई थ्री सी बी आर, देख लेते हैं यहां पर एम ई, यहां पर एम ई थ्री सी बी आर फर्स्ट, सेकंड क्या दिया हुआ है बच्चों, एम ई टू सी एच बी आर, थर्ड क्या दिया हुआ है बच्चों आपका, एम ई टू सी एच टू बी आर, ठीक है, फोर्थ आपको क्या दिया हुआ है बच्चों यहां पर, फोर्थ ये आपका थर्ड, सॉरी ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, और आपको फोर्थ कौन सा दिया हुआ है बच्चों यहां पर, एम ई सी एच टू सी एच टू सी एच टू बी आर, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है फोर्थ। अब देखो इसमें आपको ई टू इलिमिनेशन लगाना है, ई टू, ई टू में आपका कार्बोकेटायन नहीं बनता, लेकिन 3 डिग्री हैलाइड आपका ज्यादा स्टेबल, ज्यादा अच्छा होता है, 2 डिग्री की रिएक्टिविटी उससे ज्यादा होती है 1 डिग्री से, और सबसे लेस होती है 1 डिग्री आरएक्स की, तो यहां पर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये आपका कौन सा है बच्चों, 3 डिग्री, ठीक है, ये आपका कौन सा है, 2 डिग्री, ये आपका कौन सा है, 1 डिग्री, ये आपका कौन सा है, 1 डिग्री। अब दिक्कत की बात 1 डिग्री में, तो अब सबसे पहले हम अरेंज करते हैं, तो फर्स्ट आपका सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका सेकेंड, लेकिन एलिमिनेशन में आपका यहां से निकलने के बाद इंसिपिएंट आयन बनेगा। अब डबल बॉन्ड कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आपको 6 मिलेगा, और यहाँ पर कितने मिलेंगे, 2, तो यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिविटी थर्ड की होगी, और थर्ड और सबसे कम आपके फोर्थ की, तो यहाँ पर इस तरीके से दिया है, आई होप कि ये आपका सही होगा, ठीक है, नेक्स्ट, ये आपका सही है बच्चों, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चों, सी ऑप्शन आपका दिया है पी एच सी एच टू बी आर, ये आपका फर्स्ट दिया हुआ है, पी एच सी एच बी आर एम ई, ये आपका सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर पी एच सी बी आर एम ई टू दिया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा, ये आपको थर्ड दिया हुआ है, और यहां पर क्या दिया हुआ है बच्चों, पी एच सी बी आर, पी एच सी बी आर एम ई, और यहाँ पर पी एच, ये आपको फोर्थ दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एस एन वन रिएक्शन के लिए आपको क्या बनेगा, इंटरमीडिएट आपका कार्बोकेटायन बनेगा, इंटरमीडिएट आपका क्या बनेगा बच्चों, कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा कार्बोकेटायन आपका क्या होना चाहिए, स्टेबल। तो देखो यहाँ ये निकलेगा तो कार्बोकेटायन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल है, यहाँ आपका क्या निकलेगा, यहाँ कार्बोकेटायन निकलेगा, तो यहाँ पर इस तरफ रेजोनेंस के थ्रू और इस तरफ हाइपर कंजुगेशन के थ्रू, यहां पर दोनों तरफ हाइपर कंजुगेशन के थ्रू और यहां पर रेजोनेंस के थ्रू, यहां पर आपका इस तरफ रेजोनेंस, इस तरफ रेजोनेंस, इस तरफ हाइपर कंजुगेशन, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस की वजह से स्टेबल कौन हो रहा है बच्चों, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फोर्थ आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद कौन होगा बच्चों, यहां पर पीएच 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 सब में कॉमन है, एमई की वो एमई आपका बढ़ रहा है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों आपका थर्ड, थर्ड के बाद क्या हो जाएगा बच्चों आपका सेकंड, सेकंड के बाद आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट,
आपका क्या फाइंड आउट करना था? इनकरेक्ट ऑर्डर। तो इनकरेक्ट ऑर्डर आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सी आपका इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अब हम ऑप्शन डी की भी बात कर लेते हैं एक बार, कि ऑप्शन डी में आपका है क्या बच्चों? तो ऑप्शन डी बच्चों क्या दिया हुआ है? MEBR, MECL और MEF, ठीक है। एसेंट टू रिएक्टिविटी, एसेंट टू रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आल्सो। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे भी डिपेंड करेगा, तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आई की ज्यादा होगी, फिर उसके बाद BR, फिर उसके बाद CL, फिर उसके बाद F। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आई माइनस, उसके बाद BR माइनस, उसके बाद CL माइनस, उसके बाद F माइनस। तो आपका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने सेकंड बोल दिया, इसको मैंने थर्ड बोल दिया और इसको मैंने फोर्थ बोल दिया। तो आपकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? फर्स्ट की ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? आपका फोर्थ। तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी आपका सही है। आई होप कि आपको 60 तक समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं 61 क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 आपका क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 61 आपका बोला गया है, विच रिएजेंट रिएजेंट विल बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन के लिए आपका कौन सा रिएजेंट आपका यूज होना चाहिए बच्चों? काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो CH3, CH2, CH2, CH3, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराने पर आपको यहाँ पर CH3, CH2, 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 CL और साथ में एक और प्रोडक्ट आपका CH3, CH2, CH, CL, CH3, ये आपको मिला हुआ है बच्चों। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसके लिए जैसा कि आप लोग जानते हो कि ए ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। Cl2 यूवी लाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हेलोजिनेशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था बच्चों। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन में आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि यहां पर हमको क्या देखना पड़ेगा बच्चों? टाइप ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर ये फर्स्ट टाइप का हाइड्रोजन है, यहां पर ये सेकंड टाइप का हाइड्रोजन है। अगर ये Cl माइनस के साथ Cl फ्री रेडिकल पाथवे से चलेगा, कौन से पाथवे से? फ्री रेडिकल पाथवे से। अब ये फ्री रेडिकल पाथवे को फॉलो करेगा, तो यहां पर दो टाइप के होंगे आपके प्रोडक्ट, CH3, CH2, CH, Cl, CH3 और साथ में CH3, CH2, 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 Cl। ये आपका मेजर होगा। आपने कैसे निकाला? सेलेक्टिविटी रेशियो से बच्चों। ये आपका क्या हो जाएगा? माइनर, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड बच्चों यहां पर NaCl H2SO4, NaCl H2SO4 यूज्ड इन सब्स्टिट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर H आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, H माइनस, तो H माइनस को हम निकाल नहीं सकते, तो ये वाला आपका रिएजेंट पॉसिबल नहीं होगा। अगला देखते हैं, Cl2 गैस इन डार्क। तो Cl2 गैस इन डार्क में भी बच्चों आपका कौन सा रिएक्शन होगा? Cl2 गैस इन डार्क, तो यहां पर आपका कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका डी, Cl2 रिएक्शन इन प्रेजेंट ऑफ Fe एंड डार्क। तो यहां पर आपका कौन सा होता है? यहां पर आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ये रिएजेंट आपका यूज होता है बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको सारे समझ में आ गए होंगे कि कौन से रिएजेंट आपके कब यूज होते हैं। बच्चों हमको सारे ऑप्शन को डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको आगे जाके कहीं ना कहीं ये सारे ऑप्शन आपको हेल्प करें, ठीक है। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 आपका क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 62 बच्चों देखते हैं, यहां पर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्वेश्चन नंबर 62, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। कंसीडर द प्राइमरी
फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। प्राइमरी अल्काइल हेलाइड के लिए आपको रिएक्शन देखना है बच्चों। देखो फर्स्ट CH3 CH2 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 Br, ठीक है, ये आपका रिएक्ट करेगा किससे बच्चों? CH3O- और यहां पर CH3OH, ठीक है बच्चों। और यहां पर सेकंड CH3 CH CH3 CH2 Br CHO- CH3OH, वेरी गुड। अगला आपका क्या है बच्चों? यहां पर थर्ड थर्ड आपका क्या है बच्चों? यहां पर थर्ड आपको समझना है CH3 CH2 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 Br, और यहां पर आपका क्या है? CH3 तीन बार बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। O-, और यहां पर CH3 थ्राइस COH, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों यहां पर ये। अब देखो यहां पर आपको समझना है कि यहां पर आपका कौन सा रिएक्शन प्रोसीड होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको समझना है कि कौन सा रिएक्शन आपका प्रोसीड होगा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है। अब देखो यहां पर ध्यान से समझेंगे कि यहां पर आपका SN, देखो ये आपका क्या है? पोलर प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक है, ठीक है। ये भी आपका क्या है बच्चों? पोलर प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक है। ये भी आपका क्या है बच्चों? पोलर प्रोटिक है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये 1 डिग्री हैलाइड है, 1 डिग्री हैलाइड इन पोलर प्रोटिक। SN2 तो नहीं होगा, यहां पर भी 1 डिग्री हैलाइड इन पोलर प्रोटिक, तो SN2 तो नहीं होगा। यहां पर 1 डिग्री हैलाइड और पोलर प्रोटिक, इसका मतलब SN2 आपका नहीं होगा। साथ साथ आपका SN1 भी नहीं होगा, साथ साथ आपका SN1 भी यहां पर भी नहीं होगा। यहां पर भी आपका क्या नहीं होगा बच्चों? SN1 नहीं होगा, क्योंकि SN1 के लिए केवल पोलर प्रोटिक मीडियम चाहिए और 1 डिग्री हैलाइड। SN1 के लिए 1 डिग्री हैलाइड में तो आपका SN1 हो ही नहीं सकता बच्चों। तो अब हम देखते हैं यहां पर कि आपका कौन सा पाथवे लगेगा केवल और केवल। यहां पर आपका लगेगा बच्चों एलिमिनेशन पाथवे, एलिमिनेशन पाथवे। और एलिमिनेशन पाथवे में E1 में टेम्परेचर चाहिए, तो E1 तो हो नहीं सकता, तो यहां पर कौन सा होगा बच्चों? E2 एलिमिनेशन पाथवे। तो यहां पर बीटा एलिमिनेशन निकलेगा, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन पाथवे से आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर मैं यहां पर बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालेंगे, तो यहां पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया पहले का प्रोडक्ट। दूसरे का बच्चों ध्यान रखो, E2 एलिमिनेशन में आपका कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, तो कार्बोकेटायन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगर यहां पर E1 होता तो आपका डबल बॉन्ड यहां आता बच्चों, डबल बॉन्ड आपका कहां आता? यहां आता। अगर यहां पर CH3OH विद 50 डिग्री सेल्सियस दिया होता तो आपका यहां पर डबल बॉन्ड आता। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर क्या होगा बच्चों? CH3 CH CH3, यहां पर ये अल्फा, यहां पर बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड CH2, बीटा एलिमिनेशन। यहां पर भी आपको बीटा एलिमिनेशन करवाएंगे, ध्यान से समझेंगे, यहां पर बीटा एलिमिनेशन करवाएंगे, लेकिन इसको समझेंगे, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये 100% आपका E2 प्रोडक्ट ही देगा, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों यहां पर? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। आई होप कि आपको आंसर मैच हो गया होगा। तो फर्स्ट का आंसर आपका क्या है? फर्स्ट का आंसर आपका होगा यहां पर इन सबसे मैच होने वाला ऑप्शन क्या है बच्चों? आपका डी। तो थोड़ा ध्यान रखना है इसका कौन सा आंसर होगा, डी होगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि अगर E1 एलिमिनेशन होता, इफ इफ E1 E1 रिएक्शन होता, तो आपका पहले का प्रोडक्ट क्या होता बच्चों? कार्बोकेटायन बनता। क्या बनता? कार्बोकेटायन बनता। और कार्बोकेटायन बनने की वजह से यहां पर पहले का प्रोडक्ट आपको ये बन जाता अगर E1 होता तो बच्चों। और अगर यो E2 यहां पर E1 होता तो पहले का ये बनता, दूसरे का भी आपका सेमी सिमिलर बनता। लेकिन अगर मैं बात करूं तीसरे का, तो तीसरे का भी आपका क्या बनता? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। थोड़ा इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज
डिग्री हैलाइड, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज 2 डिग्री हैलाइड। अब हमको ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 में देखते हैं, 63 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज 2 डिग्री हैलाइड, ठीक है। अब एक एक करके समझ लेते हैं बच्चों। ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है आइसो प्रोपाइल हैलाइड। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो ये हो जाएगा आपको आइसो ग्रुप, ठीक है, और आपका प्रोपाइल बन चुका है, तो ये आपका 2 डिग्री हैलाइड है। वेरी गुड, ऑप्शन ए में आपका 2 डिग्री हैलाइड है। अगर मैं ऑप्शन बी में बात करूं कि आप आइसो ब्यूटाइल, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, CH3 CH3 CH2 Br, तो यहां पर ये कौन सा डिग्री हैलाइड है बच्चों, आइसो ब्यूटाइल हैलाइड। तो यहां पर ये कितने डिग्री हैलाइड है बच्चों, 1 डिग्री हैलाइड। आपको नोमेनक्लेचर के हिसाब से पहले स्ट्रक्चर बनाया करो बच्चों, ठीक है। अगला कौन सा है, बी सी सी पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, एन प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। एन प्रोपाइल क्लोराइड क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Cl, ये आपका एन प्रोपाइल क्लोराइड है, और ये आपका क्या होगा बच्चों, 1 डिग्री हैलाइड, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं एन ब्यूटाइल क्लोराइड, डी ऑप्शन, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों, CH3 CH2 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 Cl, ये क्या होगा, 1 डिग्री हैलाइड। तो केवल और केवल 2 डिग्री हैलाइड आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चों, ए ऑप्शन। तो इसका कौन सा करेक्ट होगा बच्चों, आपका ए ऑप्शन आपका इसका ज्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या होगा बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 64, हाउ मेनी 1 डिग्री Rx आर पॉसिबल फॉर मॉलिकुलर फॉर्मूला C4H9X। अब C4H9X के लिए कितने आपके 1 डिग्री आपके पॉसिबल होंगे देख लेते हैं बच्चों। तो इसके लिए DOU निकालेंगे, तो DOU कितना आएगा बच्चों इसका, 0। कैसे निकालेंगे DOU, C4H9 को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो C4H10, ठीक है, C4H10 होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 10 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी आपका 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 माइनस 10 इक्वल टू 2 इक्वल टू व्हाट 0, तो DOU यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। इसका DOU कितना आ गया बच्चों, 0, क्योंकि X को मैंने H में कन्वर्ट कर दिया, X इज रिप्लेस्ड बाय H, मैंने आपको बताया था मोनोवेलेंट के लिए, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने हो सकते हैं। देखो एक मैंने ये वाला बना सकता हूँ, CH CH2 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 X, ये हो गया 1 डिग्री हैलाइड, ठीक है। टोटल आइसोमर बना लेते हैं बच्चों, उसमें देख लेंगे, ये हमारा होगा CH3 CH CH3 CH2 X, ये भी आपका 1 डिग्री हैलाइड हो सकता है बच्चों, ठीक है। अगला क्या हो सकता है बच्चों, CH3 CH2 CH X CH3, ये आपका 2 डिग्री हैलाइड हो गया बच्चों। अगला क्या हो सकता है बच्चों, CH3 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 X, ये आपका क्या हो गया बच्चों, 3 डिग्री हैलाइड। तो केवल और केवल कितने बनेंगे बच्चों, यहां पर केवल और केवल कितने बन सकते हैं बच्चों, 2। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर क्या आएगा बच्चों, यहां पर 2, 2 आपके Rx आपके 1 डिग्री हैलाइड होंगे बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 65, 65 को देखते हैं बच्चों अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों 65, क्वेश्चन नंबर 65, ब्यूट वन इन रिएक्ट्स विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में आपका ब्यूट वन इन का रिएक्शन कराना है। देखो
CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, HBr की रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करानी है। अब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करानी है तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन, एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन। अब ये आपका एंटी मार्कोनिक ऑफ आपका अगर ये रिएक्शन होगा तो मार्कोनिक ऑफ का जस्ट उल्टा प्रोडक्ट बनेगा, तो मार्कोनिक ऑफ का जस्ट उल्टा प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा बच्चों, CH2 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 Br। अब ध्यान रखना एंटी मार्कोनिक ऑफ आपका फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म के थ्रू फॉलो होता है, ठीक है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म के थ्रू आपका फॉलो होगा। तो आई होप कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर है सी, सी इज मोर करेक्ट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन कौन सा होगा बच्चों, ये तो मैंने आपको कई बार लिखवाया है, आर एक्स अगर ए जी एफ के साथ या फिर एच जी एफ टू के साथ या फिर सी ओ एफ टू के साथ या फिर आपका एस बी एफ फाइव के साथ या फिर एस बी एफ थ्री के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो यहां पर आर एफ बनेगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन कौन सा होगा बच्चों, पहला रिएक्शन देखो यहां पर ये आपका सी आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन है, ए ए की बात करेंगे तो ए आपका कौन सा है, सी एच थ्री सी एल, अगर आपका एन ए आई के साथ रिएक्शन करेगा तो सी एच थ्री आई बना रहा है और साथ में एन ए सी एल, ये आपका कौन सा रिएक्शन है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। सारे रिएक्शन आपको याद होने चाहिए बच्चों, ठीक है। बी आपका क्या है बच्चों, सी टू एच फाइव बी आर एन ए आई के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो यहां पर सी टू एच फाइव आई और यहां पर एन ए बी आर, तो कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों यहाँ पर, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ये भी आपका कौन सा रिएक्शन होगा, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। आई होप कि आपको सारे रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर केवल और केवल कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, सी ऑप्शन। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 67 में बच्चों आपका डाटा इनसफिशियंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 में आपका डाटा क्या है बच्चों, इन सफिशियंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते, 67 देख लेते बच्चों, सी बी आर बी आर बी आर यहां पर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, अगर इसकी रिएक्शन और आपका फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट है और यहां पर आपका सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये आपका सेकेंड है, यहां पर आपका डाटा इनसफिशियंट है बच्चों। इस क्वेश्चन के लिए जो आपको डाटा दिया गया है वो क्या है बच्चों, इनसफिशिएंट। अब हम देखते हैं यहां पर HBr के साथ रिएक्शन, ये आपका क्या शो करेगा, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, क्या शो करेगा, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। तो आपको अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये जब बॉन्ड को यहां खींचेगा तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, पार्शियल प्लस और यहां पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। तो आपका कैसे होगा बच्चों, यहां पर प्रोडक्ट सी बी आर थ्री, यहां पर आपका आ जाएगा बच्चों सी एच टू बी आर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसका प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, एच बी आर यहां पर क्या है, इंडक्टिव है, प्लस आई है, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमेरिक ये आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, यहां खुलेगा, यहां माइनस और यहां प्लस, तो सबसे पहले ये आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा तो सी एच यहां पर क्या आ जाएगा, सी एच थ्री, यहां कार्बो कैटायन, नाउ अब आपका बी आर माइनस अटैक करेगा तो यहां अटैक करेगा तो यहां पर क्या बनेगा, सी एच बी आर सी एच थ्री। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट करेगा लेकिन बॉन्ड आपका इस तरफ खुलेगा, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा बच्चों, ये क्या होगा, इसमें इनसफिशिएंट डाटा है तो बच्चों इसका आंसर हम बोल नहीं सकते, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट तो आपको पता पड़ गया। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 68 आपका क्या होगा, अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 68 डिपेंड अपॉन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 68 आपको क्या दिया हुआ बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अराइल एल्काइल हेलाइड। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्या बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू द मॉलिकुलर मास, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी में तो मॉलिकुलर मास जिसका ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होगा। तो यहां पर समझते हैं बच्चों, यहां पर कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछा है। तो ए ऑप्शन में CH2 CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म, यहां पर क्या दिया है CH2Cl2। अगर मैं इन दोनों में मॉलिकुलर मास का पता लगाऊं तो इसका मॉलिकुलर मास ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। बी की बात करेंगे तो बी में क्या है बच्चों, CH3 CH2 CH2 Cl, यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका CH3 CH2 CH2, एक और CH2 है बच्चों यहाँ पर CH2 Cl। अगला क्या है बच्चों, CH3 CH2 CH2 Cl। अब बच्चों दोनों में से मॉलिक्यूलर मास इसका ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी आपका क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। सी ऑप्शन को अप्रोच कैसे करेंगे, देखो CH3 CH3 CH3। ठीक है बच्चों, यहां पर Cl, यहां पर क्या दिया हुआ है बच्चों, CH3 कितनी बार, दो बार। तो यहां पर समझ लेते हैं, यहां पर इसको मैं ऐसे बना देता हूं CH3 CH CH3 CH2 Cl। ठीक है, अब इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा दिया हुआ है, समझते ध्यान से। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। अब देखो ब्रांचिंग कहाँ ज्यादा है बच्चों, ब्रांचिंग इस पर मैक्सिमम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होगा। ठीक है, यहां वाला कॉन्सेप्ट सी ऑप्शन हम किससे लेंगे, ब्रांचिंग से लेंगे बच्चों। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में डी में क्या है बच्चों, डी डी में आपका CH3 CH2 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 Cl। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है और यहां पर आपका क्या दिया हुआ है, CH3 CH2 CH Cl और यहां पर CH3। यहां पर आपके ब्रांचिंग आ गई बच्चों, अब यहां पर आपके ब्रांचिंग आ गई तो इसका ज्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है बच्चों, ये वाला सी। सी का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऐसा होगा। आपको दिया कैसा है, ऐसा दिया है ना, लेकिन आपका करेक्ट क्या है बच्चों, सी आपका, सी सी का आंसर ऐसा होना चाहिए आपका। ठीक है, तो सी आपका इनकरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, उल्टा। ठीक है, तो यहां पर आपका बॉलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 69। अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 69 का कैसे करेंगे सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला बच्चों, इन द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट इज, इन द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको मिल गया, ये आपको मार्क एंटी मार्कोनिकॉफ, ये आपका HBr H2O2। ठीक है, ये आपका कौन से प्रोसेस से चलेगा बच्चों, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। ठीक है, अब एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब कौन सा होता है बच्चों, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब यहां पर आपका फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा तो कैसे होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखो यहां पर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा तो सबसे पहले हमारा कौन आके जुड़ेगा, बी आर डॉट। देखो यहां पर आपका बी आर इस तरीके से जुड़ा, यहां पर इस तरीके, दो ऑप्शन है बच्चों, ये इस तरीके से होगा, एक बार तो यहां जुड़ जाए एक बार यहां जुड़ जाए। तो नेक्स्ट आपका कौन सा होगा बच्चों, पोजीशन आपका नेक्स्ट पोजीशन बी आर अगर यहां जुड़ गया तो यहां पर,
ठीक है, दो आपके इंटरमीडिएट बनेंगे। अब देखो इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल ही बनेगा, ये आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल होगा, ये आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल होगा, और ये आपका कितने डिग्री, 2 3 डिग्री फ्री रेडिकल। तो विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल, दिस वन इज मोर स्टेबल। तो आपका यहां पर मोर स्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन सा है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर ए बता रहा है। ठीक है, पहले आपका फ्री रेडिकल होगा, फ्री रेडिकल में पहले बी आर आके जुड़ने वाला है बच्चों, आपका कौन सा जुड़ेगा, बी आर डॉट, उसके बाद आपका एच डॉट जुड़ता है, इसका ध्यान रखना है, एंटी मार्कोनिक ऑफ का, और आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाओ ताकि रिवीजन के टाइम आपको इन्हीं क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपको काफी हद तक कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 हमारा क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद ड्राई ईथर एंड मेथेनॉल गिव्स, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन। आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद ड्राई ईथर एंड मैथेनॉल गिव्स, मतलब आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ईथर आपका क्या देगा। ठीक है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ईथर आपका क्या होगा बच्चों, समझते हैं ध्यान से। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ईथर, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, सॉल्यूशन, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल MgBr, ये हो गया हमारा क्या बच्चों, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर मैं इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओ बच्चों, मेथेनॉल के साथ, CH3OH, तो यहां पर आपका कौन सा रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, क्योंकि यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये वाला। तो जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन होगा तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोपेन, यहां पर क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा बच्चों, MgBr OCH3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आर करेक्ट, सी आपका करेक्ट होगा बच्चों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम मूव करते हैं कि यहां पर इसके साथ आपका कौन सा कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। C2H5I एंड C3H5I रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल टू गिव। अब देखो यहां पर आपका क्या है, सोडियम मेटल मतलब कौन सा रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन के बारे में आपको सोचना है। तो ए यहां पर देख लेते हैं, वुड्स रिएक्शन कैसे कराएंगे, सॉल्यूशन CH3CH2I प्लस CH3CH2CH2I, ठीक है, और साथ में आपका Na, यहां पर Na के साथ क्या होगा बच्चों, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। अब देखो 2Na, अब यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या होगा, देखो टोटल नंबर ऑफ डाइमराइज प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। तो एक बार क्या होगा बच्चों कि यहां पर ये आपका खुद के साथ कर लेगा, तो यहां पर क्या बना लेगा, CH3CH2CH2CH2CH2CH3 एक बना लिया। दूसरा क्या बना लेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, C6H, यहां पर C6H14 पहला बन जाएगा। दूसरा क्या बनेगा बच्चों, CH3CH2CH2CH3, यहां पर क्या बन जाएगा, C4H10। ठीक है, अगला क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, दोनों को मिक्स करके बनेगा CH3CH2CH2CH2CH3, यहां पर क्या बनेगा, C5 और H2N। तो कौन सा आंसर सही है बच्चों, यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है आपको, C4H10 मिल गया, C6H14 मिल गया, C5H12। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से समझना, दिस इज व्हाट, डाइमराइज प्रोडक्ट, डाइमराइज प्रोडक्ट, अगर आपको डाइमराइज प्रोडक्ट पूछे तो ये बनेगा, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि आपका यहां पर
डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट, तो आपके लिए होमवर्क है कि आप इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट को निकालिएगा बच्चों। आई होप कि आप लोग निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 72। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 बच्चों आपका क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 को अब हम समझते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अकायरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अकायरल, कौन सा कंपाउंड आपका अकायरल है। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके समझते हैं। यहां पर ए ऑप्शन CH3CH, टू CHX और Cl। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा ऑप्शन बच्चों देखते हैं, X CH2CH2 CH टू Cl, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। C CH3CH X CH2 Cl, ठीक है, बहुत ही अच्छा। डी ऑप्शन आपका क्या है बच्चों, यहां पर CH3CH Cl, यहां पर सी कर देता हूं, यहां पर H CH2X। देखो अकायरल कंपाउंड, सबसे पहले कायरल कंपाउंड क्या होता है, जिसमें कार्बन आपका असिमेट्रिकल कार्बन हो। क्या हो बच्चों, असिमेट्रिकल कार्बन। यहां पर देख लेते हैं असिमेट्रिकल कार्बन कौन कौन से हैं। ये आपका असिमेट्रिकल कार्बन है, तो इसका मतलब यहां पर कायरल सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पर भी आपका क्या प्रेजेंट है बच्चों, कायरल सेंटर। यहां पर भी आपका क्या प्रेजेंट है बच्चों, कायरल सेंटर। ठीक है, कहां आपका कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, यही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा अकायरल। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, अकायरल। तो आपका आई होप कि आप लोगों ने काफी इजीली सॉल्व किया होगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर बी, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 72 का आपका, बी। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपको एक दो बार करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, बेंजीन इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। देखो अब, बेंजीन इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। एनहाइड्रस लिखना भूल गया, ये आपका एनहाइड्रस लिखना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां पर प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट ट्रीटेड विद, अब इसी प्रोडक्ट को हमने किसके साथ ट्रीट कर दिया बच्चों, AlCl2। AlCl2 इन यूवी लाइट, एक्सिस लिखा है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। AlCl2 इन यूवी लाइट, व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, हमको ए और बी, बी के बारे में बताना है। तो देखो ये जो पहला रिएक्शन है वो क्या है बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आपका क्या होगा, फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन। तो यहां पर फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन होगा, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर कौन सा मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका बन जाएगा ऐसा कंपाउंड, अच्छे से बना देता हूं बेंजीन ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, CH3। नाउ यहां पर Cl2 एक्सिस में है और यूवी लाइट में, तो आपका कौन सा होगा, जहां पर आपका फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सारे Cl2 यहां पर फ्री रेडिकल आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहीं पर आपका रिएक्ट करेगा। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, जल्दी से देख लेते हैं, यहां पर CCl3, दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो ये किसके साथ में मैच खा रहा है बच्चों, सी के साथ, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। तो क्वेश्चन नंबर 74 हमारा क्या बोल रहा है बच्चों, देखते ध्यान से देखते हैं, कंपाउंड विच यूज्ड एज सॉल्वेंट इन प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट। बेटा ये तो आपको मगब पढ़ने वाला था कि यहां पर रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में हम एक तो क्लोरोफॉर्म का कर सकते हैं यूज, ध्यान से सुनना, क्लोरोफॉर्म का कर सकते हैं, फ्रियोन का कर सकते हैं और CCl4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या होगा, एज रेफ्रिजरेंट, ठीक है, एज रेफ्रिजरेंट
वी विल यूज व्हाट, क्लोरोफॉर्म, CCl4 एंड फ्रियॉन आल्सो। ठीक है, हम इन तीनों का यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, बी। ठीक है, नाउ विच ग्रुप इज रिप्लेस बाय हेलोजन ग्रुप, कौन सा ग्रुप आपका डिस्प्लेस होता है बच्चों? ये तो मैंने आपको क्वेश्चन ही कराया था। ठीक है, यहाँ पर ROH की रिएक्शन अगर HCl के साथ ZnCl2 के प्रेजेंस में करा दो तो यहाँ पर भी डिस्प्लेस होगा। ROH की रिएक्शन PBr3 के साथ करा दो तो भी आपका डिस्प्लेस होगा। ROH की रिएक्शन PBr5 के साथ करा दो तो भी डिस्प्लेस होगा। ROH की रिएक्शन SOCl2 के साथ करा दो तो भी आपका डिस्प्लेस होगा। तो केवल और केवल कौन सा ग्रुप हो रहा है डिस्प्लेस बच्चों यहाँ पर? यहाँ पर आपका हो रहा है केवल और केवल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका डिस्प्लेस होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड। देखो हैलाइड एक्सचेंज मेथड में बच्चों दो ही रिएक्शन आती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग 76, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हैलाइड एक्सचेंज मेथड से किसको ऑब्टेन कर सकते हैं बच्चों? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो हैलाइड एक्सचेंज मेथड में दो ही आपके रिएक्शन आते हैं, कौन कौन से बच्चों? एक तो आता है आपका कौन सा, स्वार्थ रिएक्शन, और एक कौन सा आता है बच्चों, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ठीक है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। अब फिंकलस्टाइन रिएक्शन से मैं क्या बनाता हूँ बच्चों, एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, एल्काइल आयोडाइड। और स्वार्ट से मैं क्या बनाता हूँ, एल्काइल फ्लोराइड। क्या बनाता हूँ, एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, आप देखो यहां पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए CH3Cl, ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है बच्चों आपका, C2H5Cl, ऑप्शन डी आपका क्या, ऑप्शन बी सी आपका क्या दिया हुआ है बच्चों, CH3I, और ऑप्शन डी आपका क्या दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर, CH3Br। देखो ब्रोमाइड तो हम निकालते नहीं है, हम केवल आयोडाइड और फ्लोराइड निकालते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन गलत सही होगा बच्चों? यहाँ पर आपका ब्रोमाइड वाला नहीं होगा, और यहाँ पर क्लोराइड वाला भी नहीं होगा, यहाँ पर क्लोराइड वाला भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा बच्चों, CH3I। ठीक है, आई होप कि आपको सारे ऑप्शन समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। नाउ अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 77 आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 बच्चों, इसके मैकेनिज्म के थ्रू ही आपको चलना चाहिए, जितना आप मैकेनिज्म के थ्रू चलोगे उतने आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 77 में क्या है बच्चों, मिक्सचर ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन व्हेन ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। ठीक है, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन दोनों को आपको ट्रीटेड कराना है किसके साथ, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, अल्कोहलिक KOH, और इसको भी आपको अल्कोहलिक अल्कोहलिक KOH। ठीक है, मैंने आपको बताया था अल्कोहलिक KOH मतलब E2 इलिमिनेशन। अब देख लेते हैं बच्चों इसका आंसर। तो देखो 1 क्लोरोप्रोपेन मतलब CH3CH2CH2Cl, अगर इसकी रिएक्शन मैंने अल्कोहलिक KOH के साथ कराया तो आपको क्या बनेगा बच्चों, यहां से अल्फा यहां से बीटा, तो कौन सा होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा, यहां पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर यहां पर 2 क्लोरो का कराऊंगा तो भी आपका क्या बनेगा बच्चों, सेम प्रोडक्ट बनेगा, ये अल्फा ये बीटा, दोनों दोनों की तरफ से कहीं से भी मैं बीटा में से निकाल सकता हूँ हाइड्रोजन। तो अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में E2 इलिमिनेशन कराया, E2 इलिमिनेशन कराने का मतलब आपका कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर दोनों में आपका प्रोडक्ट आपका सेम बनेगा, और इसका नाम क्या होगा बच्चों, प्रोप वन इन। आई होप सो कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा, इसका ए ऑप्शन आपका ज्यादा करेक्ट होगा बच्चों, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं कि अमोंग ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के टुवर्ड कौन आपका ज्यादा रिएक्टिव है, देखते हैं यहाँ पर एल्कोहलिक KOH के टुवर्ड आपका कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 78, अमंग ऑफ
अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड एल्कोहलिक KOHs। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों यहां पर ए ऑप्शन क्या दिया बच्चों आपका, CH2 डबल बॉन्ड CHBr। ठीक है, बी ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ बच्चों यहां पर, CH3CO, यहां पर आपका CH2CH2Br। ठीक है, अगला ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, CH2CH3CH2Br, और डी ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है बच्चों यहां पर, CH3CH2CH2Br। ठीक है, कौन सा आपका ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है बच्चों ये आपको देखना है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से समझेंगे कि यहां पर आपका कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा एल्कोहलिक के ओएच के टुवर्ड। तो देखो यहां पर आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो ये तो आपका लिविंग ग्रुप यहां से निकलेगा नहीं, तो ये आपका लेस रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से निकालेंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब यहां से अगर आप Br निकालोगे तो यहां पर कौन सा ग्रुप अटेंड कर रहा है बच्चों, यहां पर आपका माइनस एम ग्रुप है जो कि आपके Br को निकलने नहीं देगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव। क्यों, Br निकलेगा तो प्लस बनेगा तो माइनस एम उसको क्या कर देगा, डिस्टेबलाइज कर देगा, माइनस एम डिस्टेबलाइज कर देगा। नाउ अगर इसको निकालेंगे तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा बच्चों, डी ऑप्शन इज मोर करेक्ट। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, 79। 79 बच्चों आपको बताया था, 79 आपको बस रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पहचाननी है, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो 79 में क्या बोला है बच्चों कि द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HOCl प्रोसीड थ्रू द एडिशन ऑफ। ठीक है, इसको समझना है, तो यहां पर ए ऑप्शन दिया है H plus in the first step। ठीक है, यहां पर बी आपको क्या दिया हुआ है, Cl plus in the first step। ठीक है, सी क्या दिया हुआ है, OH minus in the first step। और आपको यहां पर डी क्या दिया हुआ है बच्चों, डी समझते हैं, यहां पर डी आपको दिया हुआ है कि Cl plus and OH minus इन सिंगल स्टेप। बहुत ही अच्छा रिएक्शन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है ये क्वेश्चन। अगर आपको मैकेनिज्म आती होगी तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे बच्चों। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको हर रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको बताई है बच्चों, तो जिसको मैकेनिज्म आता है आई होप कि उसने जल्दी से कर लिया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था HOCl के साथ, तो देख लेते हैं। यह आपका CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH3, इसकी रिएक्शन मुझे HOCl के साथ कराना है, तो ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय NCC नॉन क्लासिकल कैटायन। तो ये यहां मूव करेगा, तो यहां पर क्या जाएगा, CH3CH, यहां पर CH2 है CH2, यहां पर आपका Cl प्लस बनेगा, ये आपका क्या बन जाएगा, NCC। अगले स्टेप में आपका OH माइनस या H2O किसी का भी अटैक करा दो, तो ये यहां अटैक करेगा, तो ये वाला रिंग आपका ओपन होगा। ठीक है, अब यहां पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे क्लोरोहाइड्रिन। क्या नाम होगा बच्चों इसका, क्लोरोहाइड्रिन। ध्यान से नाम आपको दे दे, ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, क्लोरोहाइड्रिन। ये भी आपसे पूछ सकता है बच्चों प्रोडक्ट में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 समझ लेते बच्चों।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 क्या होगा बच्चों। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन एटम मार्क्ड विद एस्ट्रिक, ठीक है, इज असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल का मतलब कार्बोकेट है, ठीक है, काफी अच्छा है। असिमेट्रिक का मतलब क्या होगा बच्चों? असिमेट्रिक का मतलब आपका हो जाएगा यहां पर काइरल, काइरल कंपाउंड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? CHIBRCl, ये आपका असिमेट्रिकल है, ये आपका काइरल होगा, इससे आप एक और चीज समझ सकते हो। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है बच्चों आपका? यहां पर CIBCLBR, ये भी आपका क्या होगा बच्चों? आपका काइरल होगा, क्योंकि सारे के सारे जुड़ने वाले ग्रुप क्या है? असिमेट्रिकल है, ठीक है। थर्ड आपका क्या है बच्चों? CHOH C2H5 CH3, ये भी आपका क्या होगा बच्चों? काइरल होगा, क्योंकि सारे के सारे ग्रुप आपके असिमेट्रिकल है। नेक्स्ट आपका फोर्थ यहां पर CH CH C2H5 CH3, क्या ये काइरल होगा? ये काइरल नहीं होगा, क्योंकि दो ग्रुप आपके क्या हो गए? सिमेट्रिकल हो गए, ये आपका अकाइरल होगा। तो कौन कौन से आपके होंगे बच्चों यहाँ आंसर? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों आपका इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि यहां पर आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन आपका सबसे ज्यादा देगा, ठीक है। तो देखते क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 81, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवार्ड SNAR। SNAR मतलब न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा बच्चों इसमें। तो देखो यहां पर आपको दिया हुआ है इस तरीके से कंपाउंड Cl, यहां पर आपको दिया हुआ है, यहां पर एक पैरा पोजीशन पे CH3 आपको लगा दिया हुआ है, यहां पर आपको ऑर्थो पोजीशन पे आपका क्या लगा दिया हुआ है बच्चों? CH3 लगा दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर आपका Cl है, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड और ये आपका थर्ड, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर, मैंने आपको जैसा कि मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन में कि SNAR रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब हम समझते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, ठीक है बच्चों। तो CH3 आपका प्लस H के थ्रू भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहां पर यह आपका क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस एच, तो यह आपका क्या शो करेगा? प्लस आई ऑल्सो, यहां पर भी आपका प्लस एच और ये आपका क्या शो करेगा? प्लस आई, ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो इसका मतलब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। तो SNAR इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी लेस, SNAR रिएक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका कम होना चाहिए। तो किसमें सबसे ज्यादा कम है बच्चों? फर्स्ट में सबसे ज्यादा कम है, उसके बाद सेकेंड में, उसके बाद थर्ड में। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफी इजी है बच्चों, देखते हैं 82 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। यहां पर क्वेश्चन नंबर 82, तो क्वेश्चन नंबर 82 आपको बोला है पोजीशन ऑफ बीआर इन कंपाउंड इन, ठीक है, 82 पोजीशन ऑफ
पोजीशन ऑफ बी आर इन द कंपाउंड इन सी एच थ्री सी एच डबल बोन सी एच सी बी आर यहां लगा देता हूं बच्चों, बी आर सी एच थ्री, ठीक है, ऐसा बना दिया यहां पर सी एच थ्री टू टाइम्स है, ठीक है, यहां पर सी एच थ्री और यहां पर सी एच थ्री, ठीक है, कैन बी क्लासिफाइड एज, ठीक है, पहला ऑप्शन हमको दे दिया हुआ यहां पर अलाइल और सी ऑप्शन विनाइल, बी ऑप्शन हमको दिया हुआ है बच्चों अराइल, अराइल के लिए तो एरोमेटिक होना चाहिए बच्चों, सिंपल बात है, डी आपका सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी, अब देखो ये आपका टर्शरी है, पहली बात तो सेकेंडरी तो होगा नहीं, अराइल के लिए एरोमेटिक होना चाहिए तो अराइल भी नहीं होगा, विनाइल, विनाइल अगर बी आर इस पोजिशन को तो ये वाला विनाइल पोजिशन है, ये वाला अलाइल पोजिशन है, तो आपका अलाइल पोजिशन ज्यादा करेक्ट होगा, विनाइल अगर यहाँ बी आर होता तो आपका विनाइल पोजिशन होता बच्चों, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे सारे ऑप्शन, ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल, वेरी गुड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल, मतलब कौन से कंपाउंड आपके कायरल है, पहला आपका देख लेते हैं एन हेक्सेन, ठीक है, बी आपका क्या होगा बच्चों कंपाउंड, बी आपका कंपाउंड होगा बच्चों मेथेन, बी आपका होगा मेथेन, ठीक है, सी आपका क्या होगा बच्चों 2,3,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, वेरी गुड, ठीक है, तो एक एक करके स्ट्रक्चर भी बनाते रहते हैं बच्चों, एन हेक्सेन का क्या हो जाएगा CH3 CH2 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 CH3, देखो यहां पर तो कोई भी सिमेट्रिकल भी है और ये कायरल आपका नहीं होगा, ये आपका क्या होगा बच्चों अकायरल, ये आपका क्या होगा अकायरल, सिंपल दिख रहा है, CH4 कार्बन के ऊपर चारों वैलेंसी सेम है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों अकायरल, अब यहां पर देख लेते हैं हेक्सेन के केस में, तो यहां पर 2 इसको मान लिया, 3 इसको मान लिया, 4 इसको मान लिया, पहली बात तो IUPAC नोमेनक्लेचर आपका गलत है, 1, 2, 3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों 1, 2, 3 होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल IUPAC नोमेनक्लेचर गलत है, अगर इसके हिसाब से हम बनाना चाहेंगे तो यहां पर भी आपका ये क्या हो जाएगा बच्चों कायरल, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नॉट प्रेजेंट, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, और डी ऑप्शन क्या है बच्चों एन ब्यूटेन भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों अकायरल, ये भी आपका क्या हो जाएगा अकायरल, ठीक है, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर आपका गलत है बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, 1, 2, 3 आएगा इसका, ठीक है, 1, 2, 3 आएगा, 2, 3, 4 यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर में नहीं आ सकता बच्चों, नेक्स्ट 84 क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा मगअप करने वाला है, तो 84 क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम क्लोरोफॉर्म का एनेस्थेटिक पर्पस के लिए यूज करते हैं तो उससे पहले हम उसको ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 84, जब भी हम क्लोरोफॉर्म को एनेस्थेटिक पर्पस के लिए यूज करेंगे तो हम इसको सिल्वर नाइट्रेट में कोल्ड मीडिया में हम इसको क्या कर लेते हैं पहले टेस्ट करेंगे, ठीक है, तभी हम इसको यूज करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों सिंपल सी हो जाएगा, ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 85, अब क्वेश्चन नंबर 85 आपको क्या बोला है रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर तो बच्चों इसमें आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन और फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में, तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 85 में जनरल रिएक्शन आपका क्या दिया हुआ है RX, अब यहां पर एक्वस OH- का मतलब SN2 पाथवे, तो यहां पर क्या हो जाएगा ROH और X-, ठीक है, ROH प्लस X-, ठीक है, अब आपको क्या बोला है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको बताना है ध्यान से, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है, इसी को कंसीडर करके आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, तो यहां पर ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, यहां पर ऑप्शन जो भी दिया हो मैं इसको अलग अलग करके एक एक तरीके से देख लेते बच्चों, ठीक है, तो यहां पर मैंने लिया टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, मतलब टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड का मतलब CH3 C CH3 CH3 I,
ठीक है। उसके बाद CH3 BR, उसके बाद CH3 CL, उसके बाद CH3 F, ठीक है। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, वैसे कोई भी रिएक्टिव नहीं है, वैसे कोई भी रिएक्टिव नहीं है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चले तो ये वाला लिविंग ग्रुप अच्छा है, ठीक है। लिविंग ग्रुप अच्छा होगा तो क्या होगा बच्चों, SN1 एंड SN2 रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, अब लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी मैक्सिमम है बच्चों, फर्स्ट की सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर थर्ड, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, थर्ड के बाद आपका क्या आ जाएगा बच्चों, वहां पर फोर्थ। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका ज्यादा करेक्ट है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, विच इथाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इंटू डाई इथाइल ईथर, ठीक है। इथाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इंटू डाई इथाइल ईथर। अब देखो, अब मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि यहां पर मैं अब आपको शॉर्ट में रिव्यू देता हूं बच्चों। इथाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इंटू डाई इथाइल ईथर। अब एक एक करके समझ लेते हैं बच्चों। पहला ए ऑप्शन, पर्किंग रिएक्शन। पर्किंग रिएक्शन से आपको क्या मिलेगा बच्चों, एस्टर मिलेगा। पर्किंग रिएक्शन से आपको क्या मिल सकता है बच्चों, एस्टर कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। बी आपका क्या है बच्चों, यहां पर वुड्स रिएक्शन से आपको क्या मिलेगा बच्चों, एल्केन मिलेगा। साथ साथ ज्यादा से ज्यादा आपको एल्कीन मिल सकता है, ठीक है। सी विलियमसन ईथर रिएक्शन से आपको क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। और डी आपका ग्रिगनार्ड से आपका क्या बनेगा बच्चों, ग्रिगनार्ड रिएक्शन से आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो यहां पर ईथर केवल एक ही कंडीशन में मिल रहा है बच्चों, सी विलियमसन ईथर सिंथेसाइजेस रिएक्शन के केस में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज यूज मिथाइलाइटिंग एजेंट, मतलब आप जानते हो बच्चों 87, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंपाउंड इज यूज्ड एज मिथाइलेटिंग एजेंट, ठीक है। मिथाइलेटिंग एजेंट के फॉर्म में कौन सा कंपाउंड को आपको यूज करना होता है बच्चों, ध्यान से समझते हैं बच्चों, काफी इजी है। C3 यहां पर देखते हैं, मिथाइलेशन मैंने आपको बताया था बच्चों कि जैसे ही मेरे पास NCH2N, ध्यान से समझेंगे, यहां पर NH3 है, अब यहां पर CH3I, एक्सिस अमाउंट में, तो देखो एक्सिस अमाउंट में हम कहां यूज करते हैं, एप्लीकेशन समझते हैं। यहां पर हम इसका यूज करते थे C2H5, ये NH2 कर दिया मैंने, तो यहां पर हमारा अगर एक्सिस अमाउंट में इसको मैं लेता था तो यहां पर CH2N CH3 CH3, इस टाइप से आपका CH3 बनता था। इस तरीके से हम इसको मिथाइलेशन कराते थे, पहला बात ये थे। दूसरी बात, हम मिथाइलेटिंग एजेंट के में इसको यूज इसलिए करते हैं क्योंकि यहां से आई माइनस को ब्रेक करना ज्यादा इजी होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं तो बच्चों क्या होता है, बच्चों ध्यान से समझेंगे, C2H5Cl, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगा। बी आपका क्या है बच्चों, CH3I, ठीक है। नेक्स्ट आपका सी, आपका C6H5Cl, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। यहां पर डी आपका C2H5Br, ठीक है। सबसे वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका है बच्चों, यहां पर CH3I का है। CH3I आपका अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो अच्छा लिविंग ग्रुप होने की वजह से हम केवल और केवल किसका यूज करते हैं बच्चों, इसका यूज करते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इसका यूज नहीं करेंगे। यहां पर क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी और इसके कंपैरिजन में भी ज्यादा होगी, तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे बच्चों, CH3I का, ठीक है। विच ऑफ द हेलो एल्केन्स इज मोस्ट रिएक्टिव, कौन सा हेलो एल्केन आपका मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। 1 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन, देख लेते हैं बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है।
88 विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन इज मोस्ट रिएक्टिव। फर्स्ट आपका ऑप्शन है 1-क्लोरोप्रोपेन, बी आपका ऑप्शन है 1-ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, सी आपका ऑप्शन है बच्चों 2-क्लोरोप्रोपेन और डी आपका ऑप्शन है बच्चों क्या 2-ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। अब देखते हैं 2-ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे बच्चों कौन सा आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं रिएक्टिविटी निकालने के लिए बी आर हटाओ प्लस लगाओ, ठीक है, तो देख लेते हैं बी आर हटा के और प्लस लगा के, ठीक है, कौन सा ब्रोमीन आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा, फटाफट देख लेते हैं बच्चों। तो फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से हमारा इस तरीके से होगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एल, सेकेंड के हिसाब से सी के हिसाब से ये हो गया ए ऑप्शन, ये हो गया आपका 1-ब्रोमो बना लेते हैं सी एच टू सी एच टू बी आर, ये बी। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों सी एच टू सी एच सी एल सी एच थ्री, और डी ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों सी एच थ्री सी एच टू यहाँ पर सी एच बी आर सी एच थ्री। अब देखो इस सब में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, देखो सबसे सिंपल बी आर हटाओ प्लस लगाओ, बी आर हटाओ प्लस लगाओ, सी एल हटाओ प्लस लगाओ, बी आर हटाओ प्लस लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन के टाइम दो तो 2 डिग्री है, दो आपका 1 डिग्री है, तो इन दोनों में अंतर कैसे लगाएंगे बच्चों सी एल और बी आर के हिसाब से, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इसकी ज्यादा है, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसका कम होगा। तो अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर बनाऊं तो यहाँ पर डी सबसे ज्यादा, क्योंकि इसका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा है, तो डी आपका सी से ज्यादा होगा, 2 डिग्री है, दोनों आपके कितने डिग्री है बच्चों 2 डिग्री है। अब इन दोनों में 1 डिग्री है, 1 डिग्री में क्या होगा बच्चों 1 डिग्री तो आपका लेस रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, ठीक है। तो और 1 डिग्री में कौन होगा ज्यादा, बी, क्योंकि लिविंग ग्रुप टेंडेंसी आपकी ज्यादा है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, मोस्ट रिएक्टिव आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, आपका डी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ब्यूटेन नाइट्राइल का प्रिपरेशन आप किस तरीके से करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं 89, इन विच केस फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन नाइट्राइल इज पॉसिबल, मतलब ब्यूटेन नाइट्राइल का फॉर्मेशन किसमें पॉसिबल है, ए देख लेते हैं बच्चों C2 नहीं, यहां पर क्या दिया हुआ है C3H7Br। अब जिसको IUPAC नोमेनक्लेचर आता होगा उसी को समझ में आएगा इसका आंसर क्या होगा, रिएक्शन कराने के बाद CN, ठीक है, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों ब्यूटेन नाइट्राइल, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब हम सारे ऑप्शन के IUPAC नियम लिखते हैं बच्चों, देखो बी क्या होगा C4H9BrKCN, अब बताओ जल्दी से, यहां पर CH3CH2CH2CH2CN, अब नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा बच्चों पेंटेन नाइट्राइल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला बच्चों क्या है, यहां पर KOH और CN के, ठीक है, तो एक यहां पर बी सी देख लेते हैं C3H7OH और KCN के प्रेजेंस में, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा CH3CH2CH2, ठीक है। यहां पर पहली बात तो ये रिएक्शन आपकी फिजिबल नहीं होगी, ये रिएक्शन आपकी फिजिबल नहीं है, नॉट फिजिबल रिएक्शन, क्योंकि हमने KCN की रिएक्शन BR के साथ चाहिए, ये आपका पुअर लिविंग ग्रुप है, ये आपका कौन सा लिविंग ग्रुप है बच्चों पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये रिएक्शन आपकी फिजिबल नहीं है। तो इसी तरीके से डी भी आपका क्या नहीं है बच्चों, डी भी आपका नॉट फिजिबल रिएक्शन, तो आपका कौन सा है केवल और केवल ऑप्शन में आंसर ए, ठीक है, दिस इज अ 89 क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 90 की ओर, तो देखते हैं
तो बच्चों देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90। तो आई होप कि आपके अब सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए होंगे। और ध्यान रखें कि जो भी मैंने कॉन्सेप्ट अगर मैंने क्वेश्चन के थ्रू बताए हैं तो वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एक बार अगर आप कोशिश करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। वन इक्विवेलेंट ऑफ FeBr2 इन डार्क ये आपका कौन सा रिएक्शन है? हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? ये आपका क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था। देखो यहाँ पर आपका CCl3 किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों? रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की तरह बिहेव करेगा। अब ये आपका रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की तरह बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका मैक्सिमम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजिशन हाई। और ये इसी वजह से कौन सा ग्रुप होता है बच्चों? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। अब ये यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा तो क्या आएगा आपका प्रोडक्ट बच्चों? यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट आएगा Br और यहाँ पर CCl3। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है बच्चों? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है बच्चों। आई होप कि आप लोगों ने अच्छा किया होगा पेपर में। ठीक है, अगर कोई भी इसके अलावा भी आपको अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू काफी होमवर्क भी दिए, तो आप लोगों को उस होमवर्क को हैंड टू हैंड सॉल्व करते जाओ। और ध्यान रखो कि जो मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस किए वो आप अपने नोटबुक में जरूर लिखो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।